अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। तो आइए आज हमने फटाफट सबसे पहले ब्रेकफास्ट की, जो कि सिंपल राइस, उसके साथ कॉफ़ी। उसके बाद जो हमारा बहुत सारा काम था, हम लॉन्च करने वाले हैं ई कॉम डेको ब्रांड। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने सूरह रहमान की तिलावत सुनी, जो कि हमारी डेली रूटीन है, जो कि आज हमारा वर्क था उनको उनके बैनर्स डिज़ाइन करना। लोगोस ऑलरेडी हमारे बन चुके थे, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे लोगो है, एक ये लोगो है। तो आपने हमें कमेंट में बताना है कि कौन सा लोगो हमारे लिए बेस्ट है। एक ये लोगो है, तो इन दोनों को आप लोगों ने कंपेयर करना है कि कौन सा लोगो हमारे लिए बेस्ट है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलिए, जो कि हमारा प्रोडक्ट रिसर्च, उसके लिए हम अलीएक्सप्रेस को ओपन किया, वहाँ पे हम प्रोडक्ट को एक एक प्रोडक्ट को एनालाइज किया, उनको ओवरव्यू करा। वहाँ से हम आइडिया लेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे बेस्ट है, कौन सा प्रोडक्ट हम लॉन्च कर सकते हैं, कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। तो एक एक प्रोडक्ट हम एनालाइज करते रहे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स थे, और हमने एक एक प्रोडक्ट को, इनके मटेरियल कुछ है कि कौन से मटेरियल में ये प्रोडक्ट बने हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स, हमें तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट पसंद है, लेकिन इनमें से एक प्रोडक्ट हमें डिसाइड करना है। फिर उसके बाद हम चल पड़े प्रैक्टिस वर्क करने के लिए, प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए, क्योंकि हम टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी में आए हैं। यहाँ से जो है हमें काफ़ी सारे, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिले थे, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर रीजन को पाकिस्तान सेलेक्ट किया, जो कि हम पाकिस्तानी मार्केट प्लेस में करना चाहते हैं। फिर उसके बाद हमने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट की, जो कि हमारी कैटेगरी है वो होम डेको है। तो हम यहाँ पर सर्च कर है कि कौन कहाँ पर हमारी होम डेको कैटेगरी अवेलेबल है, ताकि हम उसको सेलेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे हमें फाइनली मिल चुका है होम डेको, तो यहाँ पे हमने उनको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में ट्रैफिक को चेक कर देना है, उसके बाद कन्वर्जन, वीडियो व्यूज, रीच, लीड जनरेशन, प्रोडक्ट सेल्स, ताकि हमको पता चल सके कौन सा प्रोडक्ट इसमें, इनको एक एक प्रोडक्ट को एनालाइज कर सके। तो फिर बाकी चीज़ें आप लोगों ने चेक छोड़ देना है, लेकिन आप लोग यहाँ पे एक चीज़ को चेक चेंज कर भी सकते हैं, लास्ट 30 days। तो यहाँ पे आप लोग की हम कितनी मर्जी करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हमने ऊपर अपने कीवर्ड टाइप किए, जो कि हमारी कीवर्ड थी होम डेको। उसके बाद हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हमें मिल गए, तो हम यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट को देख लें। उसके बाद ये देखेंगे कि कौन से हमारे कैटेगरी से रिलेटेड कौन से प्रोडक्ट्स हैं, जो कि जिसमें हम इंटरेस्टिंग है, उनको हम सेल कर सके। तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो हम इनको एक एक वन बाय वन चेक करेंगे, उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे, जिस तरह हम आपको प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें। जब होम डेको की बात है कैटेगरी, तो इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जो कि सब कैटेगरीज इतनी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे कैटेगरी के मुताबिक जो हमारे अपनी जिस प्रोडक्ट में इंटरेस्टिंग है वो हमें मिल जाए, तो फाइनली वो भी हमें मिल गया। तो हम यहाँ पे उनको चेक करेंगे कि वो हमारे कैटेगरी पे मिट हो रही है नहीं। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 9 की के लाइक्स हैं, लेकिन कमेंट्स कम हैं। तो आप लोगों ने ये चेक कर देना है कि जो भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे उनकी एटलीस्ट लाइक 1000 प्लस होने चाहिए, कमेंट एटलीस्ट 200 प्लस होने चाहिए। तो इनके लाइक्स 9 की है, इट्स मीन 9000, कमेंट्स 15 है। तो ये भी आप लोग डिपेंड कर सकते हैं, इसकी टेक्स्टिंग के लिए कर सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे, तो ये इनकी वेबसाइट पे भी जाएंगे, जो कि हम इनके स्टोर को भी स्नैपिंग करेंगे। यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक कर रहे, लेकिन यहाँ पे फेसबुक जो है इनकी कनेक्ट नहीं है इनके वेब स्टोर के साथ, तो इसलिए इसको हमें फाइनली छोड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद हम जाते हैं फेसबुक लाइब्रेरी की तरफ। फेसबुक लाइब्रेरी भी एक बेस्ट टूल है स्पेशली प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। तो यहाँ पे हमने इनको ओपन किया है, सबसे पहले पाकिस्तान से लेके ऑल कैटेगरी, सेम यहाँ पर भी हमने अपना कीवर्ड पुट किया है होम डेकोर। तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि हम फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर फिल्टर यूज़ किया, हमें 2024 1 जनवरी से लेके 17 अक्टूबर 2024 तक जो भी प्रोडक्ट्स जो भी एड्स एक्टिव हैं वो हमें दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम डेट को चेंज कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो डेट को हमने चेंज करते ही हमारे सारे प्रोडक्ट्स शो हो गए। तो हमने यहाँ पे भी सेम वही करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे हमने एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया, जो कि एक्सटेंशन हमारी ये हेल्प करेगी कि ये हमें डायरेक्ट यहाँ से बताएंगे कि इस ऐड के कितने दिन हो चुके हैं, यानी कितना टाइम इस ऐड का हो चुका है कि इन्होंने, इस सेलर ने ये ऐड रन किया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने पेज को रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे मुझे ऐड शो हो गया। तो मैं वो आपको ये हमारे
बिल्कुल यही वाला डोनेट नेम से है, ये एक्सटेंशन ही आप लोग डाउनलोड करें, आप लोग को भी सेम एक तो यह कि टाइम आपका सेव रहेगा, आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से डायरेक्ट आपको दिखाएगा कि इतने डेज की एड्स इतने डेज हो गए इस एड्स को करती हुई। तो स्टिल हमें यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि रनिंग वन डे यानी एक दिन हो चुका है ये एड अभी तक एक्टिव है एड, तो हम मज़ीद एक एक और एड सब एड को भी कैलकुलेट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे हमें यहाँ पे एड शो हो रही है, तो हम मज़ीद इनको एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करें, देख लें कि हमें कौन से एड्स हमें मिलेंगे जो कि लास्ट 30 डेज से एक्टिव है। तो हम एक एक सबको उसको डाउन करें, तो एक एक को चेक करें। इसके बाद यह है कि फेसबुक एक फेसबुक लाइब्रेरी एड लाइब्रेरी हमें ये हेल्प करते हैं कि हमारे जो कंपेटिटर हैं हम उनके स्टोर को इजीली स्नैपिंग कर सकते हैं। स्नैपिंग मीन हम उनको स्टोर को उनके स्टोर पे विजिट कर सकते हैं, स्पेशली फेसबुक पेज भी। तो वहाँ से हम फिल्टर लगा के हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है, कौन से प्रोडक्ट इनके लास्ट 30 डेज से या फिर जो लास्ट 180 डेज 90 डेज से एक्टिव है, अगर वो अभी तक उनके एड्स एक्टिव है तो इट्स मीन उस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, तो हम उस प्रोडक्ट्स को एज अ टेस्ट चेक कर सकते हैं। तो हमने अगेन फिल्टर में चेंज करना है हमने, तो यहाँ पे हमें सारे शो हो गया अगेन 17 डेज से स्टार्टिंग है। तो हम एक एक को चेक कर रहे हैं, इसको डाउन कर रहे हैं, तो एक एक तो जैसे ही मिल जाएंगे। तो फेसबुक से हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। फिर फेसबुक के बाद हमारी सेकंड जो टूल है वो टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी है, वहाँ से भी आपको टाइम लगाएंगे एक अच्छी आप लोग विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं एक अपनी कैटेगरी की। हम अपने कैटेगरी के मुताबिक हम अपनी कैटेगरी भी आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन सा हमारे लिए कैटेगरी, हम किस कैटेगरी के मुताबिक अपने प्रोडक्ट को रिसर्च कर रहे हैं। तो जैसे हमें एक प्रोडक्ट मिल जाएंगी हम प्रोडक्ट सिलेक्शन कर देंगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट्स की सैंपल मंगवाएंगे, सैंपल चेक करेंगे, उसके बाद उनके बल्क ऑर्डर देंगे, उसकी जब हम लॉन्च करेंगे तो वो भी हम आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम एक एक प्रोडक्ट सब चेक कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक हमारा हमारे कंपेयर कर रहे हूँ कि मैंने हमने पेज ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस्लामिक वॉल क्लॉथ है। तो ये हम इसमें काफ़ी सारे अभी वॉल क्लॉथ की जब मैं बात करूं तो इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट डिज़ाइंस के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो हमने सिंपली इनके अबाउट अस पे जाना है, पेज टेम्पलेट में जाना है, यहाँ पे हमने गो टू एड लाइब्रेरी में जाना है। तो डायरेक्ट हमें ये इनके स्टोर में कौन कितने कब से प्रोडक्ट्स लिस्ट एड रन हो रहे हैं तो वो सब हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे, जो कि अभी तक इनके सिर्फ और सिर्फ दो एड्स रन हैं, एक 45 डेज हो गए हैं और दूसरे के 7 डेज हो गए। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, तो ये 45 डेज से अभी तक ये एज एक्टिव है, तो इट्स मीन इसमें पोटेंशियल है। तो उसके बाद हम चल पड़े अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करने, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम हम कस्टमाइजेशन भी कर लेते हैं ताकि जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च हो तो हमारा इतना टाइम ज्यादा ना हो, हम डायरेक्ट ही प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ा सा भी एटलीस्ट 1% वेबसाइट को रेडी किया है, इंशाल्लाह मज़ीद भी हम करेंगे डे बाई डे, जब तक प्रोडक्ट डेवलप होती है तो तब तक हम वेबसाइट पे काम करेंगे ताकि हमारा टाइम सेव रहे और हम अपनी वेबसाइट को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सके और जल्द से जल्द लॉन्च कर सके। तो मुझे यहाँ पे अपने जर्नी में फॉलो करें ताकि हम नेक्स्ट की अपने ई कॉमर्स जर्नी साथ में गुजार कर सके। मुझे यहाँ पे दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट मी।